दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बीएमएस के बारे में। बीएमएस यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आज के वीडियो में हम इस बीएमएस के सारे फंक्शन के बारे में समझेंगे, इसमें क्या क्या फीचर होता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम चेक करेंगे कि इस बीएमएस मॉड्यूल में लिथियम बैटरी का कनेक्शन कैसे होता है, इसका कनेक्शन करके इसको प्रॉपर तरीके से चार्ज करके हम चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इस मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शन है, इसका फ्यूचर क्या क्या है। दोस्तों इसका जो फ्यूचर है, ऑपरेटिंग करंट, इसका ऑपरेटिंग करंट जो होता है वो 6 एम्पियर से लेकर 8 एम्पियर तक, यानी कि ऑपरेटिंग करंट 6 से 8 एम्पियर तक होता है। और इसका करंट लिमिट जो होता है इसका करंट लिमिट है 10 एम्पियर से 13 एम्पियर तक। और इसका रेस्टिंग करंट, यानी कि जब यह चार्ज नहीं कर रहा हो या कोई लोड नहीं ले रहा हो, लेस देन 30 माइक्रो एम्पियर। साथ ही साथ इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और इसमें जो ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज होता है, ओवर डिस्चार्ज वोल्टेज वो होता है 2.3 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक। और रिचार्ज वोल्टेज होता है, रिचार्ज वोल्टेज वो होता है 4.25 वोल्ट से लेकर 4.3 वोल्ट तक। ये एक बैटरी की वोल्टेज मैं बता रहा हूँ, टोटल बैटरी की नहीं, क्योंकि इस बीएमएस में 3 बैटरी लगी होगी। मैं तीनों को वोल्टेज अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बैटरी का वोल्टेज बता रहा हूँ। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा 4.2 वोल्ट से लेकर 4.3 वोल्ट तक होगा। साथ ही साथ इसके अंदर है ओवर चार्ज प्रोटेक्शन। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन, और आखिरी 10वां नंबर है फुल चार्ज। इसका जो फुल चार्ज वोल्टेज होता है वो होता है 12.6 वोल्ट से लेकर 13 वोल्ट तक। ये टोटल बैटरी का वोल्टेज है। जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तो तीनों बैटरी का जो वोल्टेज बनेगा वो होगा 12 वोल्ट से लेकर, यानी कि 12.5 वोल्ट से लेकर 13 वोल्ट तक। ठीक है, सबसे पहले आप इसका फीचर देख लीजिए। दसो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं इसमें वायरिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस मॉड्यूल पर बैटरी की वायरिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पी प्लस और पी माइनस देख रहे हैं इसका इनपुट भी यही है और आउटपुट भी यही है। इसी दोनों पॉइंट से हम चार्ज भी करेंगे और इसी दोनों पॉइंट से हम लोड भी लेंगे, जो हमारा आउटपुट होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बैटरी माइनस, बैटरी का जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे लगेगा, प्लस पॉइंट यहाँ पे लगेगा। तीनों बैटरी को सीरीज बनाने के बाद जो फाइनल प्लस और माइनस आउटपुट बनेगा, माइनस यहाँ पर आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा,
और सीरीज का जो पॉइंट बनेगा बैटरी वन बैटरी टू का, बैटरी वन का पॉइंट यहाँ पे आएगा, बैटरी टू का पॉइंट यहाँ पे आएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीन बैटरी को सीरीज में जोड़ लेंगे। सीरीज में जोड़ने के बाद बीच में दो पॉइंट और बनेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मॉड्यूल की वायरिंग कैसे किया गया है, आप फोटो में आराम से देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कि इन तीनों बैटरी को सीरीज में बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। यह कैसे बना मैं आपको बता देता हूँ, टाइम बच जाए और ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैंने वायरिंग पहले से कर लिया है। इसमें करना क्या होता है कि आप देखेंगे हर बैटरी पे ये प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। इस तरीके से आपको जोड़ना है माइनस वाला पॉइंट और ये प्लस वाला पॉइंट। प्लस वाला पॉइंट दूसरे बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे चला जाएगा, फिर दूसरे बैटरी का प्लस वाला पॉइंट तीसरे बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे चला जाएगा, और पहले बैटरी का पॉइंट और आखिरी बैटरी का पॉइंट जो होगा वो आउटपुट हो जाएगा। साथ में ये दो पॉइंट और बन गया जो बैटरी के बीच में बन रहा है, ठीक है, जैसा आपने फोटो में देखा था। इसका जो फाइनल आउटपुट है ये दोनों ब्लू वाला माइनस है, रेड वाला प्लस है। इसको क्या करेंगे, जो माइनस वाला है इस माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे जहाँ बी माइनस लिखा है, और प्लस वाला पॉइंट बी प्लस पे जोड़ देंगे। और जो बीच का दो पॉइंट बन रहा है ये दोनों पॉइंट वन पॉइंट टू, तो बैटरी वन वाला बैटरी वन पे जोड़ देंगे और बैटरी टू वाला बैटरी टू पे जोड़ देंगे। तो आइए इसकी वायरिंग करते हैं। ये आउटपुट प्लस वाला वायर है, इसको बैटरी प्लस पे जोड़ेंगे जहाँ पे बी प्लस लिखा हुआ है। मैं जूम करते रहूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। प्लस वाला पॉइंट बी प्लस पे जोड़ दिया और बैटरी का माइनस वाला पॉइंट बी माइनस पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं बी माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस पे जोड़ देंगे। अब बैटरी का दो पॉइंट और बन रहा है जो दोनों बैटरी के बीच में बन रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बी वन लिखा हुआ है, यहाँ पर बी वन लिखा हुआ है और यहाँ पर बी टू लिखा हुआ है। जो बैटरी का पहला पॉइंट बन रहा है वो यहाँ लगा सकते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जीरो वोल्ट माइनस और बैटरी का जो पहला पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा जहाँ पर 3.7 वोल्ट बन रहा है, और दूसरा पॉइंट जहाँ पर 7.4 यानी कि 7.5 वोल्ट बन रहा है वो यहाँ पर जोड़ देंगे। और जहाँ पर 11 वोल्ट आप दिख रहे हैं, 11.1 वोल्ट ये फाइनल आउटपुट है बैटरी का, जहाँ पर मैंने बी प्लस जोड़ा था ये वो पॉइंट है, ठीक है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं और यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि बैटरी का माइनस पॉइंट ये रहा है जहाँ पर 0 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर 3.5 वोल्ट है यानी कि 3.7 वोल्ट, तो 3.7 वोल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं या तो बी वन पे, दोनों एक ही पॉइंट है। बैटरी का पहला पॉइंट बी वन पे जोड़ दिया, बैटरी का दूसरा पॉइंट जहां पर 7.5 वोल्ट बन रहा है वो वाला पॉइंट बैटरी टू पर यहां पर जोड़ देंगे जहां पे बी टू लिखा हुआ है। ठीक है, अब फाइनली आखिरी कनेक्शन होगा यहां पर जहां पर P प्लस और P माइनस लिखा हुआ है। यही पॉइंट हमारा इनपुट भी है और यही हमारा आउटपुट भी है। इस पॉइंट पर वायर लगाने के लिए मैंने एक सॉकेट में दो वायर लगा रखा है, मैं इसको यहां पे लगा दूंगा। जो P माइनस है ये निगेटिव है और P प्लस पॉजिटिव है। अब आप देख रहे हैं इसका सारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसको हम चार्ज करके देखेंगे। चार्ज करने से पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे, इस पर कितना वोल्टेज बन रहा है। आप देख रहे हैं जो टोटल वोल्टेज है 11.5 वोल्ट है। अब इसमें मैं चार्जर लगाता हूं और देखते हैं क्या चार्जिंग बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ये अडाप्टर है,
इसमें मैं इसको कनेक्ट कर दिया। अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। हाँ दोस्तों, वोल्टेज बढ़ रहा है, 12 वोल्ट हो गया है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे पॉइंट बढ़ भी रहा है। चार्जिंग लगाने से पहले 11.5 वोल्ट था, इस वक्त 12 वोल्ट से ऊपर हो चुका है। अब मैं चार्जर निकाल के चेक करता हूँ कि बैटरी कितना वोल्ट हो गया है। ये मैंने कनेक्शन निकाल दिया, अब देखते हैं इस पर कितना वोल्टेज है। देख रहे हैं आप 11.7 वोल्ट, चार्जिंग करने से पहले 11.5 वोल्ट था, अब 11.7 वोल्ट हो गया है। तो मतलब ये काम कर रहा है, हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है, ये मॉड्यूल काम कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।